विकास खंड जसरा के जसरा बाजार में लोग अपने घरों की लाइटें बंद कर दीप प्रज्वलित किए। दीपों को घर के बाजों, गलियारों और बाहर की सड़कों पर जलाया गया। मंदिरों में भी दीपों को प्रज्वलित किया गया। पूरा जसरा बाजार दीपों से जगमगाता दिखा। कुछ लोग शंखनाद के साथ पटाखे और फुलझड़ियां भी जलाते दिखे। पूरा जसरा बाजार 9 मिनट की दीपावली मनाता दिखा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। आज कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पूरे भारत में दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार आज से एक प्रकार का शोक दिवस है, जिस शोक दिवस के मौके पर आज अपने देशवासियों को ये चाहिए कि उनके आदेश का पालन करें और कोरोना से बचने की बहुत बड़ी बचत होगी। आपने दीप प्रज्वलित किया? जी, मैंने दीप प्रज्वलित किया, थालियां बजाई, हमारे मोहल्ले में भी थालियां बजी। तो जैसा कि आज एक तरह से पूरे भारत में सभी लोग एकत्रित होकर पूरे भारत में दीप प्रज्वलित किया, जैसा लग रहा है आज एक दीपावली जैसा माहौल हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया रहा। मैं तो यही कहूँगा कि आज अपना देश प्रधानमंत्री के आदेशानुसार पूरा देश अपना उसके उनके कहने पर माना। आपका परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति, ग्राम जसरा पोस्ट जसरा थाना घोरपुर जिला इलाहाबाद। मैंने देखा कि आज गांव में, शहरों में और यहां तक कि बाजारों में सभी ने अपनी लाइटों को बंद करके और लाइटों को बंद करके सभी लोग दीप प्रज्वलित किए और सब लोगों ने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पे सभी लोग एकजुट होकर पूरे गाँव में, पूरे बाजार में दीप प्रज्वलित किया गया। मैं प्रयागराज, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से राजेश कुमार।